हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह का टाइम है, खाना पीना हो जाने के बाद, और मैं बना रही थी अपनी बेटियों की चोटियाँ। इनको जाना है स्कूल और स्कूल में छोड़ कर आऊँगी इनको बाहर गेट तक। तो दोनों बेटियों की मैंने एक एक करके चोटियाँ बना दी थी और 7:30 बजे इनको निकलना होता है। पहले 7 बजे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी और उसके बाद 7:30 बजे बच्चे जाते हैं। तो सुबह तो मेरा बहुत ही बिजी रहता है, बहुत कम मैं वीडियो कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश रहती है मेरी कि मैं कुछ ना कुछ मतलब करूँ कैप्चर और आप सब तक पहुँचाऊँ, लेकिन बहुत ही कम हो पाती है मुझसे। काफ़ी काम रहता है सुबह, और बच्चों के साथ तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चे बहुत छोटे हैं, तो उनके छोटे छोटे से काम भी खुद करके देने पड़ते हैं। और इनका ये देखिए हो गया है मस्ती टाइम शुरू। तो हम आ चुके थे बच्चों को छोड़कर बाहर, और फिर आधा घंटा हो गया था तो मैं सबसे पहले यहीं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ से करूँगी शुरुआत पहले साफ़ सफाई की, तो यहीं से शुरू होता है वैसे मेरा ज़्यादातर। और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे फ़ोन में, तो थोड़ा साफ़ मतलब क्लियर वीडियो हो नहीं रही थी, और फिर जैसे तैसे मैंने की, खैर थोड़ी देर में खुद से क्लियर हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत इसको हो जाती है। वैसे तो ये जिस दिन हाथ से गिरा था तो उसके बाद ये थोड़ा मतलब ऐसा ही मतलब चल रहा है, और इसको काफ़ी मतलब दिक्कत हो गई है। देखती हूँ वैसे ठीक करवाऊँगी मैं इसको, लेकिन टाइम नहीं लग पाता है, कभी बच्चे तो कभी कुछ कभी कुछ, तो इसी काम में मुझे कई बार 10 बज जाते हैं, लेकिन 9:30 तो हर रोज़ बज जाते हैं, क्योंकि इसी तरह से हर रोज़ करती हूँ मैं क्लीनिंग। जब भी मतलब खाना पीना हो जाता है तो किचन की तो मैं इसी तरह से कर देती हूँ, सारी टाइलें और ये सब मैं एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। बाकी जो गैस स्टोव है, ये गैस है मेरा, इसको तो मैं 2 बार साबुन से अच्छी तरह धो लेती हूँ, और ये है किचन टॉवल, तो इनको भी मैं साथ के साथ ही धो दूँगी, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और एक बार में ही ये गंदे हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने बच्चे को नहलाया धुलाया और इसकी मालिश वगैरह मैं कर दूँगी, क्योंकि बच्चा मेरा अब फिर थोड़ी देर में सो जाएगा और थोड़ा बहुत जो काम बचा है तो उसको करने का थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। फिर सुबह से मैं नहला देती हूँ ऐसे इसको 10 बजे, मतलब 10:30 बजे जब थोड़ी धूप आ जाती है तभी नहलाती हूँ मैं इसको, और ज़्यादातर मतलब तभी नहलाती हूँ। उसके बाद फिर इसके मतलब थोड़ा बहुत मैंने तेल लगा दिया था शरीर पर, पहले नहीं मैं अब करती मालिश इसकी, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि खुजली वगैरह रहती है बच्चों को जैसे बरसात है आजकल, तो बाद में थोड़ा थोड़ा सा तेल मैं लगा देती हूँ इसको। उसके बाद हमने आराम किया, थोड़ा देर आराम किया, और उसके बाद फिर कपड़ों में लग गई थी, क्योंकि बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और उसके कारण मैं कपड़े नहीं धो पाई। तो मैंने लगा लिया था एक हेयर पैक जो मैं हमेशा आपके साथ वैसे शेयर करती रहती हूँ, तो वही वाला लगा लिया था और वो भी सूख चुका था, तो पहले कपड़े ही धो लिए थे क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल के, तो साथ के साथ उनकी यूनिफॉर्म भी मैं निकाल दूँगी, और उतनी बच्चे भी अंदर खेल लेंगे, लेकिन ये खेलता नहीं है, ये साथ साथ में काम करवाता है और इसका बहुत ही मतलब ध्यान रखना पड़ता है, कभी कुछ करता रहता है, और काम में कम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा। तो कपड़े जब धुल गए थे मेरे तो मैंने बना लिए थे पॉपकॉर्न और साथ में चाय बना ली थी, और ढाई ढाई तीन तीन बज चुके थे मुझे कपड़े धोने में भी,
तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैंने एक घी का चम्मच डाला था इसके अंदर और हल्दी नमक डालकर फिर पॉपकॉर्न को अच्छे से भून दिया था, और जब ये चटकने लगे थे तो ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया था। कई लोग इसको कुकर में भी बनाते हैं, तो आपको जैसा भी मतलब ठीक लगे तो आप उस तरह से बना सकते हैं। वैसे इस तरह भी बन जाते हैं। और उसके बाद हमने माँ बेटे ने दोनों ने पॉपकॉर्न को खाया। उतने बच्चे भी आ ही चुके थे, खैर तो बच्चे तो खैर पहले आ गए थे, से आ गए हैं और हम माँ बेटा उनको अलग से दे दिए थे। तो 2:30 बजे का टाइम है ये। तो फ्रेंड्स, तो जिस शाम का टाइम है, मैं दिया बत्ती जला रही थी और अब हो चुका है टाइम वैसे दिया लगाने का। तो सूरज छिपने के बाद का टाइम है ये, जब थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तभी मैं दिया बत्ती करती हूँ। कभी कभी थोड़ा लेट हो जाती हूँ, कभी कभार मतलब। तो वैसे तो शाम ढलने के साथ ही दिया जलता है ज़्यादातर, और अच्छा भी रहता है। और उसके बाद फिर मैंने अंदर जब दिया बत्ती अपनी पूजा कर ली थी, तो उसके बाद माता रानी के मंदिर में दिया जला कर आई मैं बाहर मंदिर में। और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी अपनी मक्की की रोटियां। तो मैंने काफ़ी दिन बाद आज चूल्हे में आग जलाई है, क्योंकि बारिश नहीं थी इस टाइम और मुझे मक्की भी भूननी थी। तो काफ़ी दिन से मन कर रहा था और मक्कियाँ भी मेरी खाने लायक हो रही हैं, तो उसी के साथ साथ मैंने रोटियां भी बना ली थी। और ये है दूसरा दिन। तो दूसरा दिन है, सुबह से ही बारिश लग गई थी और आज है हमारे घर में श्राद्ध है आज। और उतने में बच्चे ने वही हाल कर दिया था घर का। तो दोबारा से करूंगी मैं अब सेट। तो मिलती हूँ आपको एक और वीडियो के साथ। बाय।